बोलते साहब ऐसा नहीं, हम जानते हर एक का सिजरा है हमारे पास। आप उद्धव ठाकरे के पास गए, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि ये लोग जो बोल रहे हैं इसको ये क्या है। उद्धव ठाकरे तो बहसियत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होके बोले कि हमको फखर है कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। अरे अजीब बात यह है कि सबकी नजर में बुरा मैं हूं, सबकी नजर में इन्हें आतंकवादियों से इसका ताल्लुक, इन्हें देश से मोहब्बत नहीं करता, इन्हें फंडामेंटलिस्ट है, इसकी जबान कड़वी है। अरे तुम खड़े रह के बोल रहे विधानसभा में बहसियत मुख्यमंत्री और आप गाली मेरे को दे रहे, आखिर क्या हो गया है कि जो खड़े होकर इकरार कर रहा है अपनी पार्टी के लोगों ने काम किया, आज ऐसे उनके साथ भी हमारे बास कमजोर किस्म के मीर जाफर और मीर सादिक भी है। अरे तुम क्या कर रहे बाबा, तुम अपना जमीर बेच के धूलिया में रात में आराम की नींद सो सकते? तुम अपना जमीर बेच के, तुम अपना सब कुछ बेच के तुम आराम की नींद सो सकते धूलिया में? देखो ये तूफान, ये सरों का समंदर क्या पैगाम दे रहा है, ये क्या पैगाम दे रहा है कि होशियार रहो गद्दारों, हम जानते हैं कौन हमारे पीठ में खंजर घोंपने वाला है। मत करो ऐसा काम, तुम हमारा काम नहीं कर सकते ना, तुम धूलिया के विकास का काम नहीं कर सकते, तुम धूलिया की भाईचारगी को मोहब्बत करने का काम नहीं कर सकते, तुम धूलिया में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को मजबूत करने का काम नहीं कर सकते। अरे तो घर में बैठ जाओ, नींद की गोली खाओ, सो जाओ, मगर ये काम मत करो, तुम्हारा जमीर मलामत करेगा तुमको। और हम ये जो लोग आके बोल रहे नहीं नहीं अभी तो ये बना है ना अगाड़ी, अगाड़ी क्या अगाड़ी बना है रे, एक एमपी की सीट तुम अल्पसंख्यक समाज को नहीं दिए, सब गालियां मेरे को देते, नहीं नो दूध के धुले हुए है, उन्हों गुलाब के धुले हुए है, उन्हों मोतिया के पानी के धुले हुए है, हम कई के धुले हुए है, फिर हमको नहीं मालूम कौन किस चेहरे लेकर आता है, कैसा यहां पर संघ परिवार मजबूत हुई महाराष्ट्र में हम नहीं जानते। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि इन लोगों से जरा होशियार रहिए।